हे एवरी वन, वेलकम टू टूडेज द हिंदू एनालिसिस ऑफ क्लैट पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे 20th ऑफ फेब के करेंट अफेयर्स जो भी द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या और भी न्यूज़पेपर में आए हैं। तो चलिए फिर बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के डिस्कशन को। जैसा कि यू नो कि इस फॉर्मेट में हमारा जो है 28th ऑफ फेब तक सेशन चलेगा, तो ध्यान रखिएगा, फिर वापस स्टूडियो से द हिंदू स्टार्ट हो जाएगा। पहला आज का जो आर्टिकल है ना, ये टेक्स्ट वाले पेज का है और काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये जो है ना सील्ड कवर जुरिसप्रूडेंस, ये काफ़ी बार न्यूज़ में रहता है। अभी कंटेक्स्ट क्या है उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन ये काफ़ी बार न्यूज़ में रहता है तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए, इसलिए इसको अपने नोट्स में डाल देना। कंटेक्स्ट आप मिस भी कर जाओ तो कोई बात नहीं, क्योंकि कंटेक्स्ट तो चेंज होते रहेंगे और एग्ज़ाम में कंटेक्स्ट नहीं पूछा जाता है कि अभी न्यूज़ में क्यों है। एग्ज़ाम में इनके ऊपर कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं तो वो आपको पता होना चाहिए। अभी क्या कंसेप्ट है, देखो अडानी हिंडनबर्ग इशू चल रहा है, ठीक है, अडानी हिंडनबर्ग इशू चल रहा है। इस इशू के चलते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह कहा था कि भाई जो इस पर पूरी जांच हो रही है ना, वो सारा जो डॉक्यूमेंट है वो सील्ड कवर जुरिसप्रूडेंस में जाए। अब सील्ड कवर जुरिसप्रूडेंस क्या है ये हम समझते हैं, फिर हम आते हैं वापस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। देखो लीगल कॉन्सेप्ट है ये, जो कि रिफर करता है प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंटिंग सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन टू अ कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन अ सील्ड इनवेलप और कवर टू बी ओपन एंड रिव्यूड ओनली बाय द जज और जज इन चार्ज ऑफ द केस। अभी देखो ये मैं समझाऊं या फिर कुछ भी हम समझे, हम लेमन लैंग्वेज में समझते हैं, कोई भी एनवेलप है, अगर मुझे आपको कोई बात कहनी है, अगर मैं आपको बोल के कह रहा हूँ, मतलब वो आपके आसपास जितने लोग हैं सबको सुनाई दे जाएगा, बट वो बात मैं आपको एनवेलप में लिख के भेज रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ आप ही पढ़ें और अगल बगल के लोगों को ना पता पड़े। एक ज़माने में लोग लव लेटर लिखते थे, अब आजकल तो मैसेजेस आ गए, तो उस समय लव लेटर कैसे लिखते थे भाई, ऐसे लिख के भेजते थे कि यार जो उनकी प्रेमिका है या फिर जो प्रेमी है वही पढ़े, बाकी कोई ना पढ़ पाए। तो यही कॉन्सेप्ट है आपका सील्ड कवर जुरिसप्रूडेंस का, कि भाई ये इन्फॉर्मेशन ना पब्लिक डोमेन में ना आ पाए, पब्लिक डोमेन में ना आए, ये जजेस तक बात जाए और जजेस तक ही रहे, वो पढ़ के समझ लें, वो उसको ऑन रिकॉर्ड लेके ना आए। तो दिस इज सील्ड कवर जुरिसप्रूडेंस। कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है जो डिफाइन करता है कि भाई सील्ड कवर का क्या मतलब है, लेकिन हाँ हमारे लॉज के थ्रू, काफ़ी सारे हमारे लॉज हैं जिसके थ्रू इसको बैकिंग मिली हुई है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का रूल 7 ऑफ ऑर्डर 13th जो है, सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013, वो प्लस सेक्शन 123 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872, ये दोनों रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अगर इस पे टॉपिक्स आएंगे तो क्वेश्चन बन सकते हैं। रूल 7 ऑफ ऑर्डर 13 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 एंड सेक्शन 123 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872, ये दोनों ही लॉज जो है ना वो सील्ड कवर जुरिसप्रूडेंस को घरी झंडी दिखाते हैं और इसको रेगुलेट करते हैं। ये क्या है रूल 7 ऑफ ऑर्डर 13, तो बेसिकली इसमें यही कहा गया है कि अगर कोई नेसेसिटी वाली चीज है तो उस दौरान सील्ड कवर जुरिसप्रूडेंस का यूज किया जा सकता है, जो नेशनल इंटीग्रिटी, देश की सुरक्षा, कुछ इस तरीके की चीजें हैं जो पब्लिक डोमेन में आएगी तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, तो वो वाली चीजें हैं। सेक्शन 123 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 क्या बोलता है, ये देखो ये भी कुछ बोलता है, क्या बोलता है, सबसे पहली चीज, ऐसी चीजें जो स्टेट अफेयर्स से रिलेटेड हैं, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक ऑफिसर्स कैन नॉट बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज सच डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ऐसी कोई भी मामला जो किसी हमारे देश के ऐसे चीज से रिलेटेड है जो कि अनपब्लिश्ड है, जो कि जरूरत नहीं है, जिसको पब्लिक के डोमेन में लाने से देश की सुरक्षा इंटीग्रिटी को खतरा पहुंच सकता है। दूसरा, ऐसा कि कोई ऑनगोइंग प्रोसीडिंग है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एक्स ने वाई का मर्डर किया है, ठीक है, बट अब ये प्रूफ नहीं हो पाए कि एक्स ने वाई का मर्डर किया है। अब अगर ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक में आ जाएगी ना, तो एक्स जो है वो एविडेंस को गायब कर सकता है, तो इसीलिए ऐसी इन्फॉर्मेशन को भी सील कवर में आगे ले जाया जाता है, जिससे कि केस की बातें सामने खुल के ना आए और बंदा जो है वो एविडेंस से छेड़छाड़ ना कर सके। तो ये है क्या आपका सील्ड कवर जुरिसप्रूडेंस। अभी न्यूज में क्यों था उस पे भी आ जाते हैं, फिर इससे रिलेटेड कुछ केस देख लेते हैं। अभी ये न्यूज़ में ये था कि अडानी हिंडनबर्ग इशू में सरकार ने कहा कि भैया मैटर जो है ना ये अब सील्ड कवर में लेके चलो। तो हमारे जो देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़ जी, इन्होंने इसको मना करते हुए कहा है कि भाई ऐसा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो ये वाली चीज़ है जिसकी वजह से हम इसको देख रहे हैं। अब थोड़ा सा इस पे केसेस देख लेते हैं। पी गोपाल कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस 2019, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि डिस्क्लोजर ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी अक्यूज्ड टू द अक्यूज्ड इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड इवन इफ द इन्वेस्टिगेशन इज ऑनगोइंग एंड द डॉक्यूमेंट्स में लीड टू ब्रेक थ्रू इन द इन्वेस्टिगेशन। अब यहां पे देखो क्या हुआ, कोई बंदा है एक्स एंड वाई, ठीक है, तो ये वाई जो है ना अक्यूज्ड है।
अब इसको यही नहीं बताया जा रहा कि भाई तुम्हारे ऊपर क्या चार्जेस लगे हुए हैं, बोला जा रहा है अभी सील्ड कवर है, अगर अभी बता देंगे तो फिर ये तुम बातें छुपा लोगे। तो इस पे हमारी कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई आप ऐसा नहीं कर सकते हो, अगर वो अक्यूज्ड है तो एटलीस्ट आप उसको सारी चीजें बताओ कि क्या क्या चीजें हैं, उस पर आप सील्ड कवर का वो नहीं ले सकते हो, ठीक है। फिर चूंकि देखो इसका मिसयूज बहुत होता है, इसीलिए जो वर्डिक्ट्स है ना वो फेवर में तो बहुत सारे होंगे लेकिन अगेंस्ट वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सीडीआर अमित कुमार शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस 2022, ये बिल्कुल रिसेंट केस है। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि यार ये डेंजरस प्रेसिडेंट सेट करता है कि आप इंफॉर्मेशंस को, रिलेवेंट मटेरियल्स को ये बोलते हो कि यार ये डिस्क्लोज नहीं होगा, और ये जो है ना ये एक चिंता का विषय है। क्या बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट सेट द नॉन डिस्क्लोजर ऑफ रिलेवेंट मटेरियल टू द अफेक्टेड पार्टी एंड इट डिस्क्लोजर इन अ सील कवर टू द एडजुटिंग अथॉरिटी सेट अ डेंजरस प्रेसिडेंट। मैंने देखो आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाया है, मैं आपको एग्जाम्पल और दे देता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। आप एक एग्जाम्पल और ले लो, क्या है वो एग्जाम्पल, आप ये एग्जाम्पल ले लो, एक मिस्टर एक्स हैं, एक मिस्टर वाई हैं, ठीक है। मिस्टर एक्स ने कहा कि वाई मिस एक्स हैं ये, ठीक है, और ये मिस्टर वाई हैं। मिस एक्स ने कहा कि इस बंदे ने मेरे साथ भाई सेक्सुअल हरेसमेंट किया है, उस दिन किया है, ऐसे ऐसे किया है। अब ये मैटर सील्ड एनवलप में इसलिए लेके जाया जा रहा है कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन के ऊपर वाई जो है छेड़छाड़ ना कर सके, पर जस्ट इन केस ये सोचो कि यार वाई जो है ना ये इसने कुछ किया ही नहीं था, इसको फंसाने के लिए किया गया था। अब भाई जब तक वर्डिक्ट नहीं आएगा तो उसको पता ही नहीं पड़ेगा कि क्या हो रहा है, क्या मामला है। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बहुत फर्मली बोलती है कि यार सील्ड कवर जुरिसप्रूडेंस देश की इंटीग्रिटी वाला मैटर है, उसके लिए चलो ठीक है, लेकिन ये जो केसेस के अंदर कर दिए जाते हैं ना वो सही नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आर्टिकल है 12 चीताज अराइव फ्रॉम साउथ अफ्रीका, तो ये वाला आर्टिकल हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो इसमें यहाँ पे ये तो है ही है कि यार अभी हमारा चीता आया हुआ है ना, तो एग्जाम में ये नहीं पूछेंगे आपसे कि भाई अभी कितने चीता आए हैं या टोटल कितने चीता आए हैं, ऐसे करके चीता पे क्वेश्चन आ सकता है, उस पार्क पे आ सकता है, कहाँ से आ रहा है, एशियाटिक चीता अफ्रीकन चीता में क्या अंतर होता है। आपको पता है ना हम अफ्रीकन चीता ला रहे हैं, हमारे देश में पहले एशियाटिक चीता होता था, आज की डेट में एशियाटिक चीता सिर्फ और सिर्फ ईरान में स्थित है, बाकी तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एशियाटिक चीता अफ्रीकन चीता में डिफरेंस होता है, ये सारी चीज़ें सेशन के एंड में मैं वीडियो डालूंगा, उससे आप कवर करेंगे, ठीक है। अब वापस आज के न्यूज़ पे आ जाते हैं, ये कल भी न्यूज़ में आया था, संडे के न्यूज़पेपर में भी और आज भी न्यूज़ में था। वैसे आपको पता है मंडे टू सैटरडे एनालिसिस करते हैं, तो संडे वाला हम मंडे में कवर कर लेते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, आज भी इंडियन एक्सप्रेस में था इसके ऊपर, तो हम इसको कवर करेंगे। इंडियंस गो वेस्ट टेक अप रेजिडेंस बाय इन्वेस्टमेंट, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो कुछ नहीं है लेकिन हाँ समझ लो, रेजिडेंस बाय इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। देखो बहुत सारे देश ना ये कहते हैं कि भाई आप आपके पैसे हमारे देश में लेके आके लगाओ और उसके बदले में हम आपको हमारे देश का रेजिडेंस बना देंगे। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले यूएई ने भी ये किया था। इसमें देखो क्या होता है, उस कंट्री को तो फायदा हो रहा है ना, उसकी इकोनॉमी बूस्ट हो रही है, तो वो तो चाहेगा ही ऐसा हो। तो यही आपका कॉन्सेप्ट है रेजिडेंस बाय इन्वेस्टमेंट का। तो ये संख्या जो है बढ़ रही है, 2011 से लेके 22 तक का आंकड़ा देखो तो ऐसे ऐसे था, फिर कोविड के दौरान थोड़ा कम हुआ होगा, फिर वापस अब देखो ये हो गया है। क्यों कर रहे हैं, तो बेटर अपॉर्चुनिटीज़, हेल्थ केयर, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एजुकेशन, तो इन सब चीज़ों के लिए किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ जहाँ पर जा रहे हैं लोग, तो एक हो गया यूएस, पोर्चुगल, ऑस्ट्रेलिया, माल्टा, ग्रीस, तो ये वो कंट्रीज़ है जहाँ पर सबसे ज़्यादा भारतीय जा रहे हैं। तो ये न्यूज़ थी, देश दुनिया में क्या हो रहा है समझ लो। यहाँ पर देखिए एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर जो है यहाँ पे हुआ ये कि शिवा टेम्पल में एक दलित जा रहे थे तो उनको एंट्री पे बवाल कर दिया। हमारे देश में आप देख रहे हो कि वुमेंस के ऊपर चीज़ें हो रही हैं, मंदिर में मत जाओ, दलित के ऊपर हो रही हैं, तो ये सोसाइटी में जो एक कल्चर चला आ रहा है ना, ये अपने आप में एक बहुत गलत प्रेसिडेंट सेट करता है और लोगों को अब इन सबसे ऊपर उठने की ज़रूरत है। ये देश के लिए तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, इस पर क्या ही एक्सप्लेन किया जाए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। यहाँ पर देखिए जो न्यूज़ आई है, ये आई है, सॉरी न्यूज़ नहीं है, ये एडिटोरियल है आज के द हिंदू में, और आपके सर ने आपको एडिटोरियल पहले ही कवर करा दिया है। हमने सैटरडे में ये डिस्कशन किया है, क्या है ये, दिल्ली एलजी वर्सेस आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी। क्या हुआ था मामला, 10 मेंबर नॉमिनेट किए गए थे एलजी के द्वारा, इनको वोटिंग राइट्स दे दिया गया था। भाई एलजी ने क्यों दे दिया, इस पे आम आदमी पार्टी क्वेश्चन कर रही थी, किस चीज़ के लिए वोटिंग राइट्स था, मेयर के इलेक्शन के लिए। मैटर चला गया कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि नहीं, ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं इनको वोटिंग राइट्स नहीं मिल पाएगा। तो ये फाइनल यहाँ पे इस पे मामला आया था।
तो ये आज की कुछ न्यूज़ हैं। फॉरेन पेज में भी ऐसे ही छोटी मोटी कुछ न्यूज़ हैं, कोई खास ऐसी आर्टिकल्स निकले नहीं थे जो हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत है। बाकी ये आज का सेशंस था। दो आर्टिकल्स आपको यहाँ से नोट्स में डालने हैं, पहला तो ये हो गया सील कवर जुरिसप्रूडेंस, और दूसरा जो ये चीता वाला पूरा मामला है ये। ठीक है, तो दिस इज इट, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। गाइज, हमें एक आर्टिकल करना था रिगार्डिंग जो है चीता वाला, लेकिन बात यह है कि चीता वाला कल का आर्टिकल था, और आज जो है ना इंडियन एक्सप्रेस एज वेल एज बिजनेस लाइन में कॉफ़ी एक्ट वाला एक आर्टिकल आया था कि गवर्नमेंट ने, ये वैसे बहुत पुरानी न्यूज़ है, बट गवर्नमेंट ने, पुरानी क्या मतलब 2022 के एंड की ये खबर थी जब ये न्यूज़ में थी, बट अभी ये कॉन्ट्रोवर्सी में आ गई है क्योंकि रिसेंटली जो है बेंगलोर में इससे रिलेटेड एक इंसिडेंट हुआ था। तो आज हम जो है ना ये जानेंगे कि जो कॉफ़ी एक्ट है इसको गवर्नमेंट जो है वो स्क्रैप क्यों करना चाह रही है। ठीक है, एंड कल के सेशन में हम चीता वाला आर्टिकल भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि मैंने अभी सर्च करने की कोशिश करी, वो वीडियो मुझे अवेलेबल नहीं मिली, तो कल मैं फिर से पूरा कंटेंट चीता का बना के डाल के उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। आज हम ये कॉफ़ी एक्ट देखते हैं, ये भी काफ़ी न्यूज़ में है और ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जिस भी कोर्स में एनरोल करना चाहें कर सकते हैं। आगे बढ़ें उससे पहले आज का जो एडिटोरियल है वो इंडियन एक्सप्रेस का होने वाला है रिगार्डिंग कॉफ़ी एक्ट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक अभी न्यूज़ चल रही है। तो थोड़ा समझते हैं क्या है ये कॉफ़ी एक्ट और क्या इसमें तब्दीली लाने की सरकार जो है वो विचार में है। तो देखिए, कॉफ़ी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको पहले बता देता हूँ, थोड़ा सा कॉफ़ी फसल के बारे में जान लेते हैं। तो कॉफ़ी को उगाने के लिए जो क्लाइमेट चाहिए रहता है वो हॉट एंड ह्यूमिड चाहिए रहता है, 15 to 28 degrees Celsius, और ड्राई वेदर चाहिए रहता है जब ये पक जाती है। ठीक है, रेनफॉल जो है वो 150 to 250 mm के आसपास चाहिए। लोकेशन जो है ना मोस्टली देखिए आपके वेस्टर्न घाट का जो रीजन है वहाँ पे ये होती हैं, स्टेट्स जैसे कि कर्नाटका सबसे ज़्यादा, फिर केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इंडिया की पोजीशन वर्ल्ड में जो है 6th highest प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड हम हैं कॉफ़ी के। कौन कौन सी अलग अलग वेराइटीज़ होती है कॉफ़ी की, तो रोबस्टा, फिर यहाँ पर देखिए आप एक्सेल्सा, लिब्रिका, अरेबिका। इंडिया के अंदर जो है ना अरेबिका एंड रोबोस्टा करके जो कॉफ़ी की वैरायटी है यही उत्पन्न होती है। ये देखिए विश्व के अंदर ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं ना, इसे कॉफ़ी बेल्ट की तरह बोलते हैं, ये जो पूरा का पूरा ये एरिया है ना, दिस इज़ नोन एज कॉफ़ी बेल्ट। आपका इंडिया भी इसी के, जो हमारे जो इंडिया में जहाँ जहाँ होता है वो भी इसी के अंदर आ जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहली चीज़ तो ये कि कॉफ़ी एक्ट था क्या और अब उसमें तब्दीली क्या आ रही है। तो पहले देखो, गवर्नमेंट जो है ना वो कॉफ़ी एक्ट जो कि 80 साल पहले आया था, 80 ईयर्स ओल्ड है, उसमें तब्दीली लाने की कोशिश कर रही है, और नया जो कॉफ़ी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल 2022 जो है वो पार्लियामेंट में आ चुका है। कॉफ़ी एक्ट 2022 के बारे में हम थोड़ा सा जाने, जो बिल आ रहा है इसके बारे में जाने, उससे पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं और जो 80 ईयर ओल्ड कॉफ़ी एक्ट है ना वो क्या था वो जानने की कोशिश करते हैं। तो जो कॉफ़ी एक्ट 1942 में आया था उसका ओरिजिन कैसे था, तो देखिए 1930 के अंदर ना, 1930 के आसपास की बात है, भारत के अंदर जो कॉफ़ी इंडस्ट्री है ना वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस कर रही थी। विश्व में हमारे यहाँ पे कोई खपत नहीं हो रही थी, कॉफ़ी जो उग रही थी वो वेस्ट हो जा रही थी, किसान जो है वो पैसा नहीं कमा पा रहे थे, ग्रेट डिप्रेशन का टाइम था। तो उस समय ना ब्रिटिशर्स की सरकार थी भारत में, तो कॉफ़ी सेस एक्ट लाया गया ऑफ 1935, और साथ ही साथ फर्स्ट इंडियन सेस कमेटी बनाई गई कॉफ़ी के लिए, जिसका ये काम था कि कैसे भारत की जो कॉफ़ी है उसका सेल को आप विश्व में बढ़ा सकते हो, इस पर काम करो। तो चीज़ें धीरे धीरे हुई लेकिन कोई खास अंतर नहीं आया। वर्ल्ड वॉर टू आ गया, भारत के अंदर जो कॉफ़ी की खपत थी, भारत में देखो कॉफ़ी नहीं पीते हैं आप, अगर यहाँ पे इस पे आ जाओ, ये मैप पे आ जाओ, इंडिया के अंदर ज़्यादा जो डिमांड है ना वो टी की है, और इंडिया के अड़ोसी पड़ोसी देश भी आप उठा लो, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या कोई भी हो, तो हर जगह ही जो है ना चाय की डिमांड ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ पे कॉफ़ी की खपत नहीं है, जितना हमारे यहाँ कॉफ़ी उगता है ना उसका 70% हम जो है वो एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो वो बीच बीच में थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी, एक्चुअली बगल में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो थोड़ा सा वो टैकल कर लेना। तो अब बात करते हैं, इतना हमने समझा। तो भारत में तो देखो कॉफ़ी की खपत थी नहीं, विश्व में हमें सेल करना था। 1942 तक भी जो ये आपकी छोटी सी सेस कमेटी बनी थी इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ, कॉफ़ी की खपत विश्व में अभी भी इंडिया की डाबनडोल ही थी। जिसके चलते हुए 1942 के अंदर कॉफ़ी एक्ट आया, और इसी एक्ट के अंदर कॉफ़ी बोर्ड की बनाने की बात करी थी। कॉफ़ी बोर्ड का भी पर्पस जो था ना बेसिकली यही था कि कैसे जो है मार्केटिंग, प्रमोशन, कंजम्पशन, फाइनेंस, रिसर्च, डेवलपमेंट, इन सब पे काम करो और गाइड करो लोगों को, और जो भी कंपनीज हैं फॉरेन में जाके प्रमोट करो और भारत की कॉफ़ी को विश्व में आप ऊपर आगे पहुँचाइए।
इंडिया में हालत ना तब भी थोड़ी थोड़ी ऐसी चलती रही, चीजें जो हैं हो रहा था नहीं हो रहा था, कॉफी बहुत ज्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट नहीं हो पा रही थी। 1991 में जब एलपीजी रिफॉर्म आते हैं, जब भारत की इकोनॉमी को खोल दिया जाता है, उससे पहले क्या होता था, उससे पहले जो सिस्टम था ना वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इससे पहले जो है ना पूलिंग सिस्टम था। पूलिंग सिस्टम में क्या होता था, जैसे तीन किसान थे, ठीक है, ए बी और सी, ये तीनों किसान जो है ना ये क्यूरिंग फैक्ट्री के अंदर जो है अपनी कॉफी को लेके जाते थे। क्यूरिंग फैक्ट्री के अंदर जो है इस कॉफी को प्रोसेस किया जाता था, इसके ऊपर से छिलके एंड ऑल चीजें हटा दी जाती थी, और इसका क्यूरिंग फैक्ट्री वाले पैसा लेते थे किसान से। फिर क्यूरिंग फैक्ट्री वाले जो कॉफी बन जाती थी उसको सरकार को दे देते थे, सरकार जो पैसा देती थी वो इन किसानों को देते थे, उसमें से अपना जो इनका खर्चा होता था वो निकाल लेते थे। ये 1991 से पहले होती थी, क्योंकि सारा का सारा जो कॉफी का लेन देन था ना वो कॉफी बोर्ड के थ्रू देखा जा रहा था। पर 1991 के बाद जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए तब सबके लिए खोल दिया गया कि भैया आप नॉर्मल भी जाके ट्रेड करो, आप इंडिविजुअल भी कर सकते हो, कोई हमारे थ्रू करने की जरूरत नहीं है। तो ये 1991 में हुआ। लेकिन समस्या क्या आ रही थी, पहले समस्या ये आ रही थी किसानों को जो ये सब पैसा भी देना पड़ रहा था ना वो सब भी नहीं देना पड़ा। 1991 के बाद चीजें बेटर हो गई। लेकिन कॉफी बोर्ड का जो रोल था, पहले तो ये था कि भैया कॉफी उन्हीं के थ्रू सारी बिचनी थी, लेकिन 1991 के बाद जो कॉफी बोर्ड का रोल था ना बस इतना रह गया कि भाई सजेशंस दो, चीजों को देखो, उसके अलावा और कोई खास काम रह नहीं गया। तो समय से काफी नीड फील हो रही थी कि भाई जो ये 1942 का एक्ट है अब उसका तो कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि भाई कॉफी बोर्ड का भी अब और पर्पस नहीं रहा जो पहले था। तो ये सारी चीजों के चलते हुए पीयूष गोयल जी ने सितंबर 2021 में पहली बार कहा था कि हम जो है कॉफी एक्ट को चेंज करेंगे, और उसी के लिए अभी 2022 के अंदर जो है ये बिल आ गया है पार्लियामेंट के अंदर। इसका नाम आपको पता होना चाहिए, ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में कि क्या था इस बिल का नाम, तो एग्जैक्ट नाम ध्यान होना चाहिए। कॉफी एक्ट जो नया आ रहा है इसका नाम है कॉफी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल 2022। अगर ये एक्ट बन जाएगा तो कॉफी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2022। कोई भी बिल एक्ट कब बनता है, जब पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट के साथ अप्रूवल से ये पास हो जाता है। बिल मतलब अभी पार्लियामेंट में पेश किया जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो इतनी चीजें आपने जानी, इतनी चीजें समझी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब एक क्वेश्चन है कि सर ये नए वाले एक्ट में क्या तब्दीली करी गई है। सबसे पहली चीज, पहले जो कॉफी बोर्ड था या फिर जो कॉफी का जितना भी लेन देन वाली चीजें थी ना, ये सारी के सारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स देखती थी, बट अब ना ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर देखेगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहले कॉफी बोर्ड के अंडर में, कॉफी बोर्ड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आता था, बट अब ये सारी चीजें रेगुलेट करेगी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। इसके अलावा और भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हटा दिए गए हैं, ट्रेड को ईजी बना दिया गया है, और काफी सारा जो पोर्शन ऑफ कॉफी एक्ट 1942 था ना उसको स्क्रैप कर दिया गया है। तो ये सारी चीजें जो हैं हमने इस पर्टिकुलर आर्टिकल से जानी समझी, जो आपके एग्जाम